gavachi. Hey guys, welcome back to my channel. So, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये मोनी रॉय इंस्पायर्ड मेकअप लुक. सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है. बिकॉज आप कभी भी मेकअप करो, आपको बहुत जरूरी होता है कि अगर आप फ्लॉलेस मेकअप चाहते हो तो आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना होता है. देन इसके बाद नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ कलर बार का प्राइमर. सो ये प्राइमर मेरे फेस पे जितने भी ओपन पोर्स है उनको ब्लर आउट कर देगा. इसके बाद जो भी मैं फाउंडेशन वगैरह अपनी स्किन पे लगाऊंगी वो मेरी स्किन के पोर्स के अंदर नहीं जाएगा. सो इस तरीके से ये सिलिकॉन बेस में आता है. और यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करूंगी उन सभी के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप इंटरेस्टेड होते हो कोई भी प्रोडक्ट को, यू नो, देखने के बाद अगर आपको कोई पसंद आ रहा है और आप खरीदने की सोच रहे हो तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और आप चाहे तो ये जो लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ, अगर आप किसी मैरिज में जाते हो या किसी भी फंक्शन में जाते हो तो भी आप इस लुक को ट्राई कर सकते हो. सो एज आई प्राइमर भी मैं इसे यूज कर रही हूँ. सो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पूरे फेस पे प्राइमर क्यों लगाया है. बिकॉज मैं ये लॉन्ग लास्टिंग लुक आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये रीजन है. आप चाहे तो सिंपली जो जहाँ पर भी जिस एरिया में आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उस एरिया में भी आप प्राइमर लगा सकती हैं. बट मतलब डिपेंड करता है आपकी, आपको क्या पसंद है. मुझे पसंद है कि मैं अपने पूरे फेस पे प्राइमर लगाऊं इस लुक के लिए. सो हल्का सा मैं अपनी नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ. सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर है ये. एंड इसमें मेरी शेड है 02 नेचुरल. सो गाइस, ये काफी ज्यादा अच्छा फाउंडेशन है. अगर आपको अच्छी लाइक मीडियम कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं. सो पंप के साथ आता है और मैंने इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है. ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. जैसा कि इस पे मेंशन है कि ये फाउंडेशन प्लस कंसीलर है, तो देखते हैं कितनी अच्छी कवरेज देता है कि मुझे इसके बाद कंसीलर लगाने की सही में जरूरत नहीं पड़ेगी. तो गाइस, यू कैन सी काफी अच्छी कवरेज दे रहा है और मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है. और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है कि फाउंडेशन आपके नोज के साइड में जम जाता है, तो अच्छे से उसे इस तरह से डैप डैप करके ब्लेंड कर ले. सो गाइस, फाउंडेशन लगाने के बाद मैं यूज कर रही हूँ एले गर्ल का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे. सो अब आप सोच रहे हो कि अभी तो मेरा मेकअप कंप्लीट भी नहीं हुआ है तो मैं मेकअप फिक्सिंग स्प्रे की यूज कर रही हूँ. बिकॉज मैं फाउंडेशन लगा चुकी हूँ अपने फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग लॉक करने के लिए, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ ये एले गर्ल का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे. सो इस ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से डैप डैप करके अप्लाई कर रही हूँ. जो आपका फाउंडेशन 8 से 10 घंटे तक लॉन्ग लास्टिंग स्टे रहता है, अगर आप इस तरह से स्टेप फॉलो करते हो तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा करीबन 12 से 13 घंटे तक. तो गाइस, इसका ये फायदा है. सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मालियो ब्रांड का क्रिस्टल पाउडर. ये लूज पाउडर है एंड इस पे मेरी शेड है 04. सो 30 सेकेंड्स पूरे हो चुके हैं और इस स्पॉन्ज की हेल्प से मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ, लाइक जो पाउडर मैंने अपने फेस पे लगाया है. तो चलिए अब चेक कर लेते हैं एक बार मोनी रॉय का मेकअप लुक. तो गाइस, यहाँ पर अब उन्होंने ब्लश लगा रखा है. तो ब्लश के लिए मैंने पिक किए थे दो ब्लश. तो फर्स्ट है पलाडियो ब्रांड का एंड सेकेंड है मेबलिन का. सो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मेबलिन का ब्लश. देन इसके बाद इस ब्रश की हेल्प से मैं ये ब्लश अपने चिक्स पर अप्लाई करूंगी. फेस पे एक फेक स्माइल रखते हुए मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस ट्रिक को ट्राई करते हुए ब्लश अप्लाई करोगे तो यू नो थोड़ा सा है कार्टून पंती में मैं ऐसे ऐसे अप्लाई कर रही थी, बट बिल्कुल परफेक्टली आपके हायर चीक पॉइंट पे अच्छे से ब्लश लग जाता है. नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्जर, जिससे मेरा फेस थोड़ा सा यू नो चबी शबी टाइप हो रहा है तो वो थोड़ा स्लिम लगे. एंड डोंट जज मी गाइस, बिकॉज हर किसी का तरीका अलग होता है. मैं कॉन्टोरिंग कुछ डिफरेंट तरीके से करती हूँ.
मस्ती करते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉन्टोरिंग गलत कर रही हूँ, मुझे पता है कॉन्टोरिंग किस तरीके से करनी चाहिए, बट ये मेरी अपनी चॉइस है कि मुझे ऐसे ज़्यादा मज़ा आता है कॉन्टोरिंग करते हुए। सो गाइस कुछ इस तरीके से मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। नोज को भी कॉन्टोर कर रही हूँ। सो नेक्स्ट मैं फिल कर रही हूँ अपनी ब्रश, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का लॉन्ग लास्टिंग जेल आईलाइनर। सो गाइस ये कुछ इस तरह से आता है, एंड यू नो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक 150 समथिंग में इसके ऐसे 2 कंटेनर्स आते हैं, आपको 2 कलर्स मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे परचेज करने में तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। बिकॉज इसे एज अ आईलाइनर भी आप यूज कर सकते हो और ब्रो को शेप देने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की ये ब्रश। जिस तरह से मोनी रॉय की ब्रोज फिल कर रखी है, मैं वैसे ही अपनी ब्रोज को फिल करने की शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। सो यू कैन सी मैंने ब्रोज को अच्छे से फिल कर लिया है। तो अब बारी आती है आई मेकअप की। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वेट मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई मेकअप देख रही हूँ, तो इसी तरह का मैं आई मेकअप करूंगी, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा आई मेकअप हो रखा है। सो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये आइकॉनिक 2 आई पैलेट, एंड इसमें मेरी शेड है 2, एंड ये न्यूड काइंड पैलेट है बेटा शो यू। सो ये न्यूड काइंड शेड्स है इसमें, तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये पैलेट। सो फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस शेड, और इस ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। जिस तरह से मोनी रॉय का आई मेकअप बिल्कुल बेसिक है, इसी तरह मैं आई मेकअप बिल्कुल बेसिक कर रही हूँ। सेम इसी तरह इसे लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस शेड। सो नेक्स्ट टाइम यूजिंग गोल्डन शेड, और इस ब्रश के ऑपोजिट साइड में यूज कर रही हूँ। एंड इसके बाद एक स्मॉल एंगल ब्रश की हेल्प से मैं इसमें से यूज कर रही हूँ ब्लैक शेड अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस ML ब्रांड मैट लुक काजल, एंड गाइस ये काफी ज्यादा अच्छा जेट ब्लैक काजल है। सो कुछ इस तरह से ये आता है, तो इसे मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। सो लाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर ग्लोसी लाइनर, एंड इसमें मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक शेड। सो नेक्स्ट मैं कर्ल कर रही हूँ लैशेस। सो लास्ट टाइम यूजिंग मेबलिन का मस्कारा। सो अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फेसेस ब्रांड की लिपस्टिक, एंड इसमें मेरी शेड है किस ऑफ फायर 03, एंड दिस इज परफेक्ट रेड कलर की लिपस्टिक। तो ये मेरे मेकअप पे काफी अच्छे से जाएगी जो मैंने इंस्पायर्ड लुक किया है। सो गाइस लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर ली है, एंड लास्ट रहता है मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो इल्यूमिनेट हाइलाइटर। मैं यूज कर रही हूँ, एंड दिस इज द बेस्ट हाइलाइटर कि अगर आप बिगिनर हो या फिर आप प्रो हो मेकअप में, लेकिन आपको चाहिए एक बढ़िया वाला हाइलाइटर, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो आप इस हाइलाइटर को। सो ब्रिज ऑफ द नोज पे मैं हल्का सा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, एंड प्रो बोन पे, चिक बोन पे,